श्रावण सोमवार को करे दस में से कोई एक उपाय, शिव जी खोलेंगे शिवलोक का पूरा खजाना, होगी आपकी सारी मनोकामनाएं तत्काल पूरी। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। संपूर्ण श्रावण का जो महीना होता है वह भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय होता है। उसमें भी जो सोमवार आता है वह भोलेनाथ का सबसे प्रिय दिन होता है। इसीलिए सावन सोमवार के दिन भोले बाबा की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है और तरह तरह के उपाय भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में सबसे जल्दी यदि कोई प्रसन्न होने वाले देवता है तो वो भोले बाबा है। भोले बाबा भंडारी है और छोटे मोटे उपाय से ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और आपके शिक्षा संबंधी क्षेत्र में या फिर व्यापार रोजगार संबंधी कार्यों में, विवाह संबंधी समस्याओं में, संतान संबंधी समस्याओं में या फिर आपकी आर्थिक पारिवारिक सामाजिक या कोई भी समस्या हो उसको समाधान तत्काल ही कर देते हैं। क्योंकि भोले बाबा एक ऐसे देवता है जो जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव जी की इच्छा से ही इस संपूर्ण सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और इसका पालन भगवान विष्णु जी कर रहे हैं। इसलिए शिव जी की पूजा से बड़ी परेशानियां भी दूर हो सकती है। सोमवार को शिव जी की पूजा का श्रेष्ठ दिन माना गया है और इस दिन यदि आप कोई खास उपाय करते हैं तो वह जल्द ही फलदायी होंगे। तो हम आपको कुछ ऐसे 10 अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। ये सरल उपाय है, यदि आप श्रावण के किसी भी सोमवार के दिन आप इनको करते हैं तो निश्चय ही आपकी समस्त मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। लेकिन श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ इन उपायों को आपको करना चाहिए तो निश्चय ही आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो सकेगा। तो सबसे पहला उपाय, यदि आपके विवाह में या आपके परिवार में किसी के विवाह में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो आपको दूध में थोड़ी सी केसर मिलाना चाहिए। कच्चा दूध यदि संभव हो तो गाय का दूध लीजिएगा और उसमें थोड़ी सी केसर पीस करके डाल दीजिएगा और भगवान भोलेनाथ को चढ़ाइएगा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए। ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चय ही आपके या आपके परिवार में किसी का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है तो उनका विवाह तत्काल ही संपन्न हो जाएगा। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही है, पितृ दोष है या अन्य कोई दोष है या फिर आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कर्ज बहुत ज़्यादा है तो आपको आटे की गोलियां तैयार करना है और इन गोलियों में थोड़ी सी हल्दी मिलाना है और श्रावण सोमवार के दिन आपको जल में मछलियों को इन गोलियों को डालना चाहिए। ऐसा करने से बुरा भी समय तत्काल समाप्त हो जाएगा। यदि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है या आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है तो आपको 21 बिल्व पत्र लेना चाहिए और बिल्व पत्र के ऊपर पीले चंदन से ओम नमः शिवाय इस महामंत्र को लिख करके भगवान भोलेनाथ को उल्टे बिल्व पत्र आपको चढ़ाना चाहिए। 21 बार आप ओम नमः शिवाय एक एक पत्र पर लिखते जाएं और चढ़ाते जाएं, यानी एक बिल पत्र के ऊपर एक बार ओम नमः शिवाय लिख करके ऐसे 21 बिल पत्र आपको चढ़ाना चाहिए और ऐसा करने से आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। यदि आपको शिव जी की कृपा प्राप्त करनी है और आपके घर में खुशहाली लानी है और आपकी सारी समस्याओं का निदान करना है तो आपको बैल यानी नंदीगण को हरा चारा खिलाना चाहिए। हरी घास या हरी वस्तु कोई भी आप सोमवार के दिन खिलाते हैं तो निश्चय ही सुख शांति और समृद्धि आपके घर में बढ़ने लगेगी और प्रत्येक परेशानियों का अंत तुरंत हो जाएगा। श्रावण सोमवार के दिन यदि आप गरीबों को भोजन कराएं, खास करके गरीब लोगों को यदि सफ़ेद वस्तु, दूध से बनी वस्तु या चावल से बनी वस्तु खिलाते हैं तो निश्चय ही आपके घर में सुख शांति और समृद्धि तत्काल चली आएगी और आपकी सारी समस्याएं तुरंत ही समाप्त हो जाएगी और आपके घर में अन्न और धन की कभी भी कमी नहीं होगी।
साथ ही आपके पितरों को शांति प्राप्त होगी, क्योंकि गरीबों को सफेद वस्तु यदि सोमवार के दिन हम खिलाते हैं या दान करते हैं तो हमारे पितर हमारे ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे पितृ दोष भी समाप्त हो जाते हैं। यदि आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या कर्ज बहुत हो चुका है, व्यापार नहीं चल रहा है, कहीं से भी आपको कोई ऐसा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है जिससे आपकी आर्थिक समस्या का निदान हो जाए, तो आपको तांबे के लोटे में काले तिल और कच्चा दूध गंगा जल मिला करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। संभव हो तो काले रंग के शिव जी को यदि आप इस प्रकार से जल चढ़ाएंगे तो निश्चय ही आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा और आपके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आएगी और घर में सभी प्रकार से शांति का वातावरण निर्मित होने लगेगा और आपकी समस्त मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। श्रावण के किसी भी सोमवार के दिन यदि आप पारे के शिवलिंग का अभिषेक कच्चे दूध से करते हैं तो निश्चय ही आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी और आपके व्यापार कार्य से अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। आटे के 11 शिवलिंग आपको श्रावण सोमवार के दिन बनाना चाहिए और 11 बार इनको जो है ओम नमः शिवाय बोलते हुए बिल पत्र और कच्चा दूध एक साथ चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सारी समस्याओं का निदान तो हो ही जाएगा, इसके साथ ही संतान प्राप्ति का योग भी आपके घर में बनने लगेगा और यदि संभव हो तो शिवलिंग पर शुद्ध घी यानी गाय का घी चढ़ाना चाहिए, फिर जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी अनेकों अनेक समस्याओं का निदान तुरंत ही हो जाएगा। भगवान शिव जी का अभिषेक यदि आप करते हैं तो आपको कच्चे दूध और गंगा जल मिला करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही श्रावण सोमवार के दिन यदि शाम के समय यानी सूर्यास्त के समय आप भोले बाबा के सामने शुद्ध घी के 11 दीपक जला करके बैठ करके प्रार्थना करेंगे और ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करेंगे तो निश्चय ही आपकी सारी मनोकामनाएं तत्काल पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी और आपका जीवन खुशहाली से भरा पूरा रहेगा। आपके घर में यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका निदान आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। यदि संभव हो तो गन्ने का रस ला करके उससे भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी अखंड लक्ष्मी का वास होगा, आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी और आपके आय के स्रोत में वृद्धि होगी और आपकी आमदनी दिन दुनी रात चौगुनी लगातार बढ़ती ही जाएगी। तो गन्ने के रस से अभिषेक करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि आप नारियल के पानी से भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आपके घर में भगवान महादेव की कृपा तो होगी होगी, इनके साथ माता महालक्ष्मी और कुबेर की कृपा भी आपके ऊपर बरसने लगेगी। यदि आप कुशा मिश्रित जल से भगवान भोलेनाथ का श्रावण सोमवार के दिन अभिषेक करते हैं तो आपके पितृ दोष या प्रेत दोष या काल सर्प दोष या अन्य कोई भी दोष हो वह आपके सभी समाप्त हो जाएंगे और आपका भाग्योदय होगा और आपके जीवन की सारी कठिनाइयां सारी बुराइयां समाप्त हो जाएगी और एक नए सूर्य का उदय आपके जीवन में होने लगेगा। आपका भाग्योदय यदि अभी तक नहीं हो पाया है तो आपका भाग्योदय होने लगेगा। इसी के साथ यदि आप श्रावण सोमवार के दिन सफेद कपड़े में एक मुट्ठी चावल एक नारियल रख करके शिवलिंग के पास जलाधारी पर चढ़ा करके और प्रार्थना करके आ जाते हैं तो आपकी सारी समस्याओं का निदान तुरंत ही हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होने लगेगा। इसी के साथ यदि आप श्रावण सोमवार के दिन विजया यानी भांग के जल से भोलेनाथ को स्नान कराएंगे तो निश्चय ही आपके सारे मनोरथ सारी मनोकामनाएं तत्काल ही पूर्ण हो जाएगी। यदि आप भोले बाबा की अद्भुत कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भोले बाबा को जल्द ही प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको श्रावण सोमवार के दिन जल में थोड़ी सी भस्म यानी राख जिसे कंडे की राख भी चलती है या फिर अगरबत्ती जल जाती है या धूप बत्ती जल जाती है उससे जो राख बनती है जिसे भस्म कहा जाता है उसको आप जल में मिला करके भोले बाबा का अभिषेक करेंगे
लेंगे तो निश्चय ही आपकी सारी समस्याओं का निदान तुरंत ही हो जाएगा और भोले बाबा की अद्भुत और दुर्लभ कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बरसने लगेगी। तो इस प्रकार आप भोले बाबा को यदि श्रावण सोमवार के दिन अत्यधिक प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको उनको चंदन के जल से भी स्नान कराना चाहिए, गुलाब जल से स्नान कराना चाहिए, कच्चे दूध से, दही से, घी से, शहद से, शकर से, नारियल के पानी से, गुलाब जल से, केवड़े के जल से या अन्य कोई सुगंधित पदार्थ से यदि आप भोले बाबा को स्नान करवाते हैं तो निश्चय ही आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और आपके जीवन में किसी भी चीज की और किसी भी वस्तु की कमी आपको महसूस नहीं होगी। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।